नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स। और आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, सरगरा जाति राजा बलि की वंशज नहीं है, ये तथ्य है और यही सच्चाई है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि राजा बलि के समय से सरगरा की उत्पत्ति को आप समझ सकते हैं, जो कि राजा सगर के वंशज है। और राजा सगर के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर जाकर के राजा सगर से रिलेटेड जो सरगरा का संबंध रहा है उस वीडियो को आप देख सकते हैं। दोस्तों, जब मैंने अभी पिछला वीडियो डाला था तो उसमें राजा बलि के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा किया था, और चर्चा इसलिए किया था क्योंकि पूरे देश में या बाहर जगह ये एक भ्रांति फैल गई है कि राजा बलि के वंशज हैं सरगरा जाति के लोग। तो इस भ्रांति को दूर करने के लिए मैंने वही कॉन्सेप्ट जो लोग समझते हैं उसको मैंने डाला कि ये राजा सगर के टाइम के हैं, राजा बलि के टाइम के हैं, ये कॉन्सेप्ट मैंने डाला। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर सरगरा जाति के लोगों पर साइंटिफिक व्यू आप पॉइंट से रिसर्च किया जाए तो पता चलेगा कि ये राजा सगर के वंश है। और उसका प्रमाण ये है कि आप मेरे राजस्थान के कुछ मित्र मुझे फोन करते हैं, जैसे अनुपुर जी हैं और बरा जी हैं, और हमारी एक बहन है जो अभी रिसर्च कर रही है, पीएचडी कर रही है, रिसर्च स्कॉलर है, उसका नाम मैं यहाँ नहीं लेना चाहूँगा लेकिन चलिए बता देता हूँ, भारती जी हैं, जो मुझे फोन करती रहती हैं और वो सरगरा जाति के ऊपर अध्ययन कर रही हैं। तो दोस्तों, ऋषि वाल्मीकि और वाल्मीकि, राजा सगर और बलि, ये लगभग एक काल के कंटेम्प्रेरी लोग हैं। लेकिन एक चीज, जैसा कि आपने रामायण में भी देखा होगा कि सीता जी की उत्पत्ति जनक से हुई, सीता जी जनक नंदिनी, लेकिन उनकी उत्पत्ति जमीन की जुताई के समय, जब हल बैल लेकर राजा जनक जमीन की जुताई कर रहे थे, तो सीता जी का उत्पत्ति एक घड़े से हुआ, ऐसी किंवदंती है, ऐसी लिखित पुराणों में ऐसी व्याख्या मिलती है, रामायण में भी इसकी व्याख्या मिलती है। लेकिन लोग उस राजा जनक के वंशज नहीं कहे जाते क्योंकि वो सीता जी राम से ब्याही नहीं, और उसके बाद उनके दो बच्चे हुए लवकुश, लवकुश को सूर्य वंश का माना जाता है। ठीक उसी प्रकार राजा बलि के समय पर सरगरा जाति की उत्पत्ति मान सकते हैं आप, लेकिन उन्होंने आइडियल माना राजा सगर को। पूरे भारत में जितने भी लोग रहते हैं, किसी जाति व्यवसाय, किसी उच्च कुलीन, कोई भी, उन सबके पास कोई भी प्रमाणिक तथ्य नहीं है जिससे वो बता सके कि वो फला वंश के हैं। लेकिन उन सब के जो टाइटल हैं, नाम के साथ जो टाइटल जुड़े हुए हैं, उस टाइटल से हम पुराने ऋषियों और पौराणिक कालीन ऋषियों के नाम के साथ जोड़कर ये सिद्ध करते हैं कि ये फला वंश के हैं। अब जो सरगरा है वो अपने टाइटल को सरगरा लिखता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ऐसा तो है नहीं कि ये कहीं अमेरिका से आकर बस गए यहां पर, ऐसा तो है नहीं कि ये चाइना से आकर यहां रहने लगे। और दूसरा जो सबसे बड़ा तथ्य है, ये राजस्थान में रहते हैं और राजस्थान तो क्षत्रियों का गढ़ रहा है। अगर मैं कहता हूं कि अगर राजस्थान नहीं होता तो आज ये हिंदुस्तान नहीं होता, क्योंकि जितनी लड़ाइयां राजस्थान ने बॉर्डर पर झेली हैं, चाहे वो मुगल काल से हो, चाहे सिंध, आप वहां पीछे चले जाए बप्पा रावल के टाइम पे या अशोक सम्राट के टाइम पे, जितने भी योद्धा आए भारत पर, जिन्होंने भी आक्रमण किया, उनके पास एक मार्ग था, बलूचिस्तान से होते हुए सीधा पाकिस्तान के थ्रू पंजाब, पंजाब जो अब पाकिस्तान में चला गया, भारतीय पंजाब में घुसना और यहां पर हमला करना। तो राजस्थान ने सबसे ज्यादा लड़ाइयां झेली हैं। अब यहां पे वैज्ञानिक तरह से आपको सोचना पड़ेगा, बॉर्डर इलाके में किन लोगों की नियुक्ति रहती होगी पुराने जमाने में? पहले भी तो हमारा यही बॉर्डर रहा, अगर पाकिस्तान साथ में रहा हो या अफगानिस्तान को भी जोड़िए, तब भी ये पूरा बॉर्डर इलाका ही रहा। तो राजस्थान में किसी जिनको उस जमाने में छोटी जाति का समझा था, उन लोगों को तो वहां रहने नहीं दिया जाता रहा होगा। आप समझिए कि बॉर्डर पे तो सिपाही ही रहेंगे ना, या ऐसे लोग रहेंगे जो आक्रांताओं का सामना कर सके। तो इन लोगों का जो निवास स्थान है, यह मैं वैज्ञानिक मत बता रहा हूं, इन लोगों का जो निवास स्थान है वो भी राजस्थान है।
ज्यादातर शर्करा जो है राजस्थान में पाए जाते हैं। लेकिन 1700-1800 ईस्वी में इस जाति के साथ थोड़ा भेदभाव किया गया और इनको राजा बलि का वंश बताया जाने लगा, जिससे इनको दानव वंश से जोड़ दिया गया। मैं इस वीडियो में बहुत क्लियर बात कर रहा हूं, जबकि जब सारी जातियां इस भारत में जितनी भी जातियां रहते हैं उनका अधिकार है कि वो अपने पूर्वजों का नाम इस्तेमाल करें, अपना टाइटल लिखे। बस इतना ही प्रमाण है सबके लिए। अब मेरे सरगरा दर्ज जाति के दोस्त मुझसे पूछते हैं कि इनका प्रमाण क्या है। अरे मैं वत्स लिखता हूं तो इसका मेरे पास कोई आधार कार्ड थोड़ा है बात साहब जी का। मैं वत्स हूं, मेरे परिवार वाले लिखते थे तो मैं भी लिखता हूं। ठीक वैसे ही सरगरा जाति के लोग हैं, सरगरा है तो सरगरा है, राजा सगर के वंशज हैं तो वंशज हैं। अगर तथ्यों की बात करें तो आपके जो विवाह परंपरा होती है या गोत्र को आप देखें, मैं एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें आपके गोत्रों के बारे में, सगरा जाति के गोत्रों के बारे में भी पूरी चर्चा की गई, तो वो सारे गोत्र क्षत्रियों के गोत्र से मिलते जुलते हैं। लगभग वही गोत्र सगराओं में भी हैं जो क्षत्रियों के थे। तो और एक चीज और बता दूं मैं आपको, इतिहास को जब देखेंगे तो उन घटनाक्रमों को भी हमको देखना पड़ेगा। इतिहास में अपने भाई को पदस्थ हटाने के लिए, पद से हटाने के लिए लोगों ने उनकी हत्याएं तक की, तो इंफॉर्मेशन वॉर में फंस गई सरगरा जाति। हो सकता है कि इनको नीचा दिखाने के लिए या इनको राज्य से दूर करने के लिए उस जमाने में इनके साथ ही इंफॉर्मेशन वॉर चली गई, ताकि ये राज्य और राजशाही से दूर हो सके। हम ये क्यों नहीं मान सकते जब इनका किला है, इनका सगर राजा से संबंध पुराणों में है। महाभारत काल में जब एक शंख एक बाजा बजाने के लिए उस विशेष कला की जरूरत होती है, उस वक्त भी वो सारे जो रेफरेंसेस हैं मैं एक वीडियो में बना रहा हूं, उस समय पे भी इनकी महानता को महाभारत में भी आप ढूंढ सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो सरगरा जाति का जो रहना सहना, शादी विवाह परंपराएं, गोत्र आदि और इनका टाइटल सब राजा सगर का है। तो फिर हम ये क्यों नहीं मानते कि हम राजा सगर के वंशज हैं? आखिर जितने अन्य जातियां इस भारत में रह रही हैं उनके पास भी क्या कोई त्रिपिटक लिखी रखी हुई है क्या? मेरा यहां ये सवाल है। या उनके पास कोई आधार कार्ड है या फिर उनके पास कोई और? आप अपने मनोभावों से उठें और अपने आप को समझें। आप राजस्थान में हैं तो जाहिर सी बात है कि आप क्षत्रियत्व को ही धारण करते रहे होंगे, और ये इस समय संवैधानिक राज्य है, भारत एक संविधान से चलने वाला राष्ट्र है। तो यहां पे आप सभी को सर्वमत, सभी को एक समान व्यवस्था मिली है, तो आप अपनी बात को रख सकते हैं कि मैं क्षत्रिय समाज से आता हूं। हालांकि इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो एक सामाजिक रेपुटेशन होती है उसको हमारे सरगरा जाति के लोगों ने खोया है, उसका दमन हुआ है। तो इन सब तथ्यों को आपको समझना पड़ेगा। तो जो दोस्त मुझे फोन करते थे प्रमाण, प्रमाण नहीं तथ्य या फिर तर्क, वही तर्क जो सारे जातियों के पास तर्क है, वो तर्क आपके पास भी है। आप वाल्मीकि ऋषि को जानते हैं, आप राजा सगर को जानते हैं, सारे तर्क हैं आपके पास। कोई भी जाति बिना मतलब के तो कोई टाइटल लगाएगी ही नहीं, कोई जाति किसी मतलब के बिना कोई टाइटल नहीं लगाती। और 100-200-500 सालों से जो टाइटल लगा रहे उसका भी कोई अर्थ जरूर रहा होगा। तो मैं भारती जी को प्रोत्साहित करूंगा और बताऊंगा कि जो कुछ भी उनके पास डाटा है बहुत कुछ अच्छा है, वो राजा सगर को अपना वंशज समझते हैं, तो निश्चित है कि वो रघुवंश से ही संबंध रहा होगा, और या फिर अगर वो महाभारत कालीन चीजों को लेना शुरू करेंगे तो वो चंद्रवंशी क्षत्रिय होंगे। तो इस प्रकार आज इस वीडियो में बस इतनी सी चर्चा। और जो लोग प्रमाण मांगते हैं वो जाने कि प्रमाण किसी भी जातियों के पास नहीं है। अगर सरगराओं के घर में भी जाया जाएगा तो वहां भी भाला, लाठी, तलवार, बर्छी ये सब मिलेगी। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि वो मार्शल कास्ट थी। मार्शल कास्ट मतलब क्षत्रिय। हमारे संस्कृति का दमन हुआ, उसमें कुछ हमारे लोग भी शामिल रहे और कुछ आक्रांता भी। तो उस दमन वाली संस्कृति को भूलिए, अपने मनोभावों को दबाइए मत, अपने आप को समझिए। हम सभी भारतीय एक ही ऋषियों के संतान हैं, हमारा डीएनए लगभग सेम है। तो आप सभी का मैं आदर करता हूं और सभी को प्रणाम करता हूं, और
मुझे आपके साथ आपके गौरव के इतिहास को याद रखने में बहुत ही आनंद आता है। इसी कुछ चर्चा के साथ मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार भट्ट आज आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।